वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशंस होती क्या है, चलो वो देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको पता होगा कि a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1 और a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इक्वल टू b2। इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस आर वेरी कॉमन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। वी यूज्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमल्स रूल टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन जनरल। तो हम जनरली मैट्रिक्स इन्वर्जन या फिर क्रैमल्स रूल को यूज करते हैं। दीज मेथड प्रूव टू बी टीडीएस व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ अननोन्स। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ अननोन्स हो जाते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये इनको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर हम इन मेथड का यूज करके जो बड़ी बड़ी इक्वेशन है उनको सॉल्व करते हैं। जनरली मेथड्स को जो है वो दो टाइप की होती है। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है इटरेटिव मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या करती है, जो भी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन फाइंड करके देती है। और जो इटरेटिव मेथड है वो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करती है, मतलब कि जो उन वेरिएबल्स की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट फाइंड करती है, ना कि एग्जैक्ट। तो डायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी अलग अलग मेथड है, पहली मेथड है हमारी गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरी है गॉस जॉर्डन मेथड और तीसरी है क्राउट मेथड। फिर इटरेटिव मेथड्स में भी अलग अलग तीन मेथड है, कौन सी है, पहली है गॉस जैकोबीज मेथड, गॉस सेडल मेथड और रिलैक्सेशन मेथड। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम इन सभी मेथड की हेल्प से जो भी हमारी गिवन इक्वेशंस है उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।